Hello friends, good morning. उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सब रीजनिंग के नए टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे। कल की क्लास में आपको याद होगा कि डायरेक्शन टेस्ट को सैडो के रिस्पेक्ट में मैंने पूरा खत्म किया था। आज बारी है नए चैप्टर का और चैप्टर का नाम होगा डायग्राम इंटरप्रिटेशन। ऐसे बच्चे जो SSC रेलवे और IAS की तैयारी कर रहे हैं CSAT के रिस्पेक्ट में, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में ये नहीं आता है, बैंकिंग के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए सीधे सीधे आपको लेकर के चलते हैं छतगंज चैप्टर के पहलू पे, चैप्टर के टॉपिक्स पे, और चैप्टर क्या कहानी बयां करता है इसकी बातें करते हैं। बातें होंगी, चर्चाएं करेंगे और आपको इस टॉपिक पे भी मास्टर बनाएंगे। थोड़ी सी बारीकियां हैं चैप्टर में जिसको बहुत अच्छे से समझने का हम सब प्रयास करेंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हैं डायग्राम इंटरप्रिटेशन पे। तो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर मेरा होगा डायग्राम इंटरप्रिटेशन। देखिए, जब डायग्राम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो ये बात करता है आरेख चित्र का, अर्थात एक आरेख का निर्माण होता है। डायग्राम इंटरप्रिटेशन के में एक आरेख का निर्माण होता है, एक आरेख खींचे जाते हैं और आरेख जो होता है बिल्कुल सर्कुलर होता है, एक सर्कल के। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा कभी भी, इस चैप्टर का पूरा नाम रख लीजिए। दूसरा नाम अगर डायग्राम इंटरप्रिटेशन का नाम रखा जाए तो इसका दूसरा नाम हो सकता है वेन डायग्राम, यानी कि आरेख चित्र, ठीक है ना। इसी की बातें आज करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस चैप्टर की वो कुछ आपको जानना है। प्रश्न आपको शब्दों में रहेंगे, उन शब्दों के बीच आपको आरेख के द्वारा, आरेख में क्या, वेन के द्वारा, गोलाकार आकृति के द्वारा रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है। आपको सटीक पकड़ना होता है कि कौन सा आरेख किस शब्द के लिए इंपॉर्टेंट है और किस शब्द के लिए सटीक फिटअप होगा, सटीक बैठेगा। इसी की सुंदर सी चर्चाएं करते हैं छात्रगण इस चैप्टर के तहत में, और बहुत ही बखूबी अंदाज से, बहुत ही मजे से इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करते हैं छात्रगण। पूरी कहानी डायग्राम इंटरप्रिटेशन की क्या है, आरेख चित्र की पूरी कहानी क्या है, इस चीज को आइए बोर्ड पर सीधे लेकर के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन ले लीजिए, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। परीक्षाओं में इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्नों के पैटर्न होते हैं आपको देखिए, कुछ भेन होंगे, कुछ इस प्रकार के भेन हो सकते हैं, कुछ ऐसे भेन हो सकते हैं, कुछ ये भेन हो सकते हैं। इन्हीं भेनों के बीच में आपको संबंध स्थापित करने के लिए यह चैप्टर कहता है छात्रगण। पूरी डायग्राम इंटरप्रिटेशन जो आरेख चित्र है वो इन्हीं डायग्रामों के बीच दौड़ता हुआ नजर आता है। कौन सा डायग्राम किसके लिए होगा, इसके पीछे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको आपको डील करने का प्रयास करेंगे। तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस पर आपको शब्द दिए हुए रहेंगे। मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि जो प्रश्न होगा वो शब्दों में बयां होगा और जो ये, और साथ ही साथ जो आपका उत्तर होगा वो बिल्कुल वेन के आधार पर होगा कि कौन सा वेन कौन से शब्द के लिए सुटेबल है, कन्फर्म है। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए आरेखों की बात करें, मैं एक सिंपल आपके पास एग्जांपल लेकर के आ रहा हूं। अगर हम यहां पर कहें आम, सरसों और गेहूं, आम सरसों और गेहूं, ये तीन शब्द है, ओके, आम सरसों और गेहूं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वेन डायग्राम में जो वेन की संख्या होगी वो भी आपको तीन ही होगा, तीन वेन से ही इसकी कहानी चलती है, तीन वेन ही रहेगा, इसके अलावा चौथा वेन इसमें नहीं होता है, रहेगा ही नहीं। इन्हीं तीनों वेनों के बीच में, जैसे कहा जाता है ना कि एक क्रिकेट बॉल के पीछे जो है 11 खिलाड़ी दौड़ते हैं, बस इसी तीन वेन के सहारे आपको पूरी कहानी रचनी है। आप कैसे कहानी कहेंगे, कैसे रचेंगे, इसी की विस्तृत चर्चाएं आज हम अपने क्लास में करेंगे छात्रगण। स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में आप सबों का, और आइए आपको लेकर के चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है आम सरसों और गेहूं, बोलता है कि आप इसको वेन के द्वारा डायग्राम इंटरप्रेट कीजिए, आरेख खींचिए। आरेख आपको ऑप्शंस में दिए रहेंगे, पांच ऑप्शन रहते हैं, पांचों ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे और उसी के आधार पर आपको चित्रण करना होगा। आम सरसों और गेहूं, देखिए
आम एक फ्रूट है, सरसों एक मसाला है और गेहूं एक अनाज है। इन तीनों के बीच में दूर दूर तक कोई संबंध है? जब इन तीनों के बीच में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तो इसके लिए जो डायग्राम क्रिएट होगा छात्रगण, एक आम के लिए, एक सरसों के लिए, एक गेहूं के लिए, यही ना, तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो तीनों में जब कोई संबंध नहीं है तो तीनों के लिए हम लोग अलग अलग वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। इसी चित्र को जो आपने ये चित्र लिया है, इस चित्र को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। तो वो घबराइएगा नहीं कि सर इस प्रकार से दे दिया था, आप ऐसे लंबा सिखाए थे। किसी भी प्रकार का तीन चित्र जिसमें तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? वेन अपना, वेन आप अपना लिखते चलेंगे, जो नोट्स बना रहे हैं कॉपी में उसमें अपना वेन को राइट डाउन करते चले जाएंगे कि इस प्रकार का वेन होगा, ऐसे वेन होगा, इसको राइट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये एक पड़ाव हो गया हम लोगों का, वेन एक कंप्लीट हो गया। दूसरा, दो बातें एकदम अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अगर कॉन्सेंट्रिक वेन है, एक वेन के अंदर एक वेन है, तो ये आपको सीधे सीधे कंसेप्ट याद रखना चाहिए ऑल का, यानी कि ये सभी को इंडिकेट करता है। यानी कि ये जो भी है वो, अगर ये पक्षी और ये कौआ है तो जितना सारा कौआ रहेगा वो टोटल का टोटल क्या होगा, पक्षी कहलाएगा। तो ये जहां आपने देखा कि किसी वेन के अंदर एक वेन घुसा पड़ा है तो वहां पर सीधे ऑल यानी सभी का रिलेशन आपको लेना है। ओके, अगर आपको एक वेन हो और यहां से कुछ वेन काट दिया जाए, आप ये खुद समझ सकते हैं कि देखिए ये जो वेन, इतना जो वेन कटा हुआ है ये इंडिकेट करता है कुछ को, और कुछ को इंग्लिश में कहते हैं सम। ये सम को इंडिकेट करता है, अर्थात एक वेन का कुछ पार्ट सम का रिलेशन प्रस्तुत करता है। अगर आपको थोड़ा सा कटा हुआ रहे, अगर थोड़ा ज्यादा भी कटा रहे तब भी सम होगा। बस समझ में आ गया अच्छी तरह से? ये सब एकदम कंसेप्ट जो है आपको वेन डायग्राम पर एकदम होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ शब्दों के रिलेशन, शब्द का रिलेशन बहुत बहुत इसमें इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि शब्द के रिलेशन इसमें कैसे होते हैं, शब्दों का रिलेशन थोड़ा सा ढूंढना होता है इसमें कैसे, भी हम कई सारा वेन आपको बताएंगे तो क्लियर होगा। ये हो गया। अब एक प्रश्न कहता है, एक प्रश्न कह रहा है, एग्जाम्पल को ये है, एक आरेख और खींच करके आपको दिखाते हैं। कहता है पक्षी, कौवा और तोता। पक्षी, कौवा और तोता, ये है आपका एक पक्षी का डायग्राम ले लिए, इसके अंदर में कौवा और तोता, बताइए होगा कि नहीं होगा? ये क्या, अभी मैंने जस्ट बताइए, सभी का जितना भी कौवा है वो टोटल का टोटल पक्षी कहलाएगा, और जितना भी तोता है वो टोटल का टोटल क्या कहलाएगा, पक्षी कहलाएगा। तो एक पक्षी के अंदर, एक बर्ड्स के अंदर व्हाट वी विल पुट अप, दैट इज द क्रो एंड द पैरट, कौवा और तोता। तो बहुत ही आसान तरीके से छात्र ने ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इन तीनों के लिए अलग अलग हम अगर वेन खींचते तो क्या ये पॉसिबल था? जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पक्षी अलग है, कौआ अलग है, तोता अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। कौआ और तोता तो पक्षी ही होता है। यही चीज़, यही सेम बात आपको रिलेशन ढूंढ करके चैप्टर पे निकालना होता है कि भाई इसको इसमें रख दें, इसको इसमें रख दें तो क्या होगा, और ज़्यादा आपको कुछ भी लोड इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी वेन क्लियर हुआ? ज़्यादा नहीं, कुछ वेन को आपसे परिचय करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे जो कुछ भी वेन हमको मिलेगा उस वेन की चर्चाएं करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है पंखुड़ी है ना, गुलाब और गुलदस्ता, गुलदस्ता, ठीक है, पंखुड़ी, गुलाब और गुलदस्ता। गुलाब को अगर नहीं रखना चाहते हैं तो फूल रख लीजिए, पंखुड़ी, फूल और गुलदस्ता। बोलता है कि इसके लिए आरेख चित्र खींचिए, क्या इसके लिए डायग्राम इंटरप्रिटेशन होगा? देख लीजिए, आप जानते हैं कि फूल पंखुड़ी से बनता है और गुलदस्ता फूल से बनता है। तीनों के बीच में बहुत ही घनघोर रिलेशन हो सकता है। अगर हम तीनों के लिए अलग अलग रिलेशन प्रस्तुत करें, मान लीजिए ये डायग्राम दें, तो ये शायद ये गलत आएगा। आप कह रहे हैं कि पंखुड़ी अलग चीज़ है, फूल अलग चीज़ है, गुलदस्ता अलग चीज़ है, क्या ये कभी हो सकता है? ये खुद आप समझते होंगे, जी बिल्कुल नहीं। सेकेंड पड़ाव पर चलते हैं और ये कहता है, आप ये डायग्राम खींचते हैं इसके लिए और आप कहते हैं कि किसी से किसी से जोड़ दीजिए, गुलदस्ता के अंदर पंखुड़ी और फूल होता है। नहीं, ये भी तो बहुत सटीक नहीं लग रहा है। अगर हम इसके लिए ये एक डायग्राम खींचे तो बताइए कितना सटीक बैठता है।
ये कहता है अगर इसको हम पंखुड़ी मानते, कुछ भी आप मान सकते हैं, किसी भी डायग्राम को, किसी भी आरेख को, किसी भी सर्कल को, किसी एक सर्कल को कुछ भी माना जा सकता है, कि जितना सारा पंखुड़ी है वो सब का सब मेरा फूल है। टोटल का टोटल जितना पंखुड़ी है वो मेरा फूल है। बिल्कुल, बिना फूल पंखुड़ी के नहीं हो सकता, बिना पंखुड़ी के फूल नहीं हो सकते हैं, और सभी फूल मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, गुलदस्ता का। तो आई थिंक दिस इज द प्योर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और ये पूरी तरह से डायग्राम इंटरप्रिटेशन का आरेख चित्र खींच रहा है पंखुड़ी, फूल और गुलदस्ता के बीच में। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत? तो अपने डायग्राम को समझते हुए चलेंगे छात्रगण, और लेते हैं आपके पास में। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, महिला, ठीक है, उसके बाद यहां लिखते हैं शिक्षक, और फिर लेते हैं विद्यार्थी। ये क्वेश्चन क्रिएट किए महिला शिक्षक विद्यार्थी का, आरेख ले लिए फटाक से, ये आरेख ले लिए, ठीक है। आप बताइए इसमें क्या सभी महिला शिक्षक हो सकते हैं, सभी शिक्षक विद्यार्थी हो सकता है? नहीं, अभी तक जितना डायग्राम खींचे वो डायग्राम एक भी नहीं होगा, आप खुद इसको समझते होंगे। अब देखिए, ये अगर बीचों बीच इसको हम महिला कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि कुछ महिला जो है वो मेरी शिक्षक है, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया शिक्षक, ये महिला लिए हुए हैं, ये है आपका महिला और ये है आपका विद्यार्थी, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, देखिए कुछ महिला क्या है, शिक्षक है, और कुछ महिला क्या है, विद्यार्थी है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो महिला है, ये जो तमाम महिलाएं हैं, ये जो महिला है, ये टोटल का टोटल महिला जो आपकी बची पड़ी है वो क्या है, कोई अन्य पेशा में होगी? कुछ भाई महिला का पूछ रही, क्या दुनिया की जितनी महिला है वो शिक्षक और विद्यार्थी है? मेरी मम्मी कहाँ गई जो घर में खाना बनाती है, गृहिणी है? ये तमाम ऐसे कई ऐसे पेशे पे हैं छात्रगण जहां ये तमाम महिलाएं उसमें समाहित हो जाएंगी। यही चीज देखिए एग्जैक्टली पकड़ना होता है कि कौन सा सर्कल, कौन सा वेन डायग्राम एकदम से सटीक जाकर के इस चित्र पर सूटेड हो रहा है, इस चीज को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कई आपके पास अभी एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, कई वेन डायग्राम आपके पास प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और आप एकदम से रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के एकदम रेडी हो जाइए। हम आपको 5 डायग्राम देंगे, उस पर 10-10 क्वेश्चंस के पड़ाव लेकर के आपके पास हम चलेंगे, और आपको जो है एक एक क्वेश्चंस पे बनाना है, एक एक क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे क्लास में, ये डायग्राम इसके लिए है तो ये क्यों है, ये डायग्राम इसमें क्यों नहीं हुआ, एक एक चर्चाएं आपके बीच में करेंगे छात्रगण। तो आइए आपको अब प्रश्नोत्तर राउंड पर लेकर चलते हैं, इस वेन डायग्राम के चर्चा होने के उपरांत आइए आगे क्यों लेके चलते हैं छात्रगण। ये आपका प्रश्न है, यहां मैंने कुल 10 प्रश्न लिखे हैं, हर एक में आप देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 3 वर्ड्स रहता है और 3-3 ही आरेख रहेगा, 3 वर्ड के बीच केवल आपको संबंध ढूंढना है। यहां पे कुल प्रश्नों की संख्या लिखा गया है 10, और आपको ये 5 डायग्राम, एक एक क्वेश्चन के लिए 5-5 डायग्राम के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सटीक ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा उत्तर, कौन सा डायग्राम, कौन सा आरेख, कौन सा डायग्राम इंटरप्रिटेशन इस प्रत्येक शब्दों के लिए सटीक बैठता है, सूटेड है। इसी की बातें होंगी, इसी की चर्चाएं करेंगे आपके बीच में छात्रगण। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे, लड़का और लड़की। एकदम से आपको दिमाग में जाना है कि कौन सा डायग्राम इसको सही करेगा जिसमें बच्चे, लड़का और लड़की हैं। चलिए अब एकदम से स्टार्ट हो जाइए और जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए बच्चे, लड़का और लड़की, कौन सा डायग्राम मेरा सटीक बैठता है? आप देखिए ऑप्शन चार को आप देख लीजिए। अगर ये डायग्राम है, इन दोनों के बीच में ये डायग्राम है, चौथा नंबर उतारे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बच्चा है, बड़ा वाला जो बच्चा है, और बच्चा के अंदर लड़का और लड़की होता ही है, बच्चा तो दो ही तरह का होगा, चाहे लड़का होगा या लड़की होगा। तो देखिए कितना सूट कर गया, आपके मन में कौन चल रहा है? अगर आपका पहला चल रहा है तो पहला नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये बच्चा है सर, और कुछ बच्चा लड़का है और कुछ बच्चा लड़की है, तो ये वाला जो भाग बच गया वो क्या रखिएगा, उसमें क्या रखिएगा? लड़का लड़की के अलावा भी बच्चा में कुछ होता है तो बताइए हमको, थर्ड जेंडर की बात नहीं कीजिए इसमें, क्योंकि प्रश्न केवल बच्चे, लड़का और लड़की की बात कर रहा है। बस समझ में आ गया? सो करेक्ट आंसर आपका नंबर कौन हो गया? 4। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 4। OMR शीट पे या ऑनलाइन पे चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा।
हम यहाँ चित्र बना करके दे रहे हैं, आपको परीक्षा में ऑप्शन कैसे मारना है ये आपका क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत होगा वहीं पूछेगा सर कि ये वाला, एक बार और हम लोग डील कर देंगे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, चूँकि आपकी लाइव क्लास नहीं हो रही है, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा एक बार और समझा दीजिए। आई डोंट थिंक कि आपको एक बार डायग्राम समझने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ओके, आगे है कागज किताब स्टेशनरी। देखिए एकदम पहले इनके बीच का संबंध ढूंढिए कि भाई तीनों एक जैसा है, तीनों अलग अलग है, तीनों में क्या रिश्ता हो सकता है। पहले अपने मन में ये सब चीज दौड़ा लीजिए, पहले अपने मन में चलाइए, जैसे ही मन में ये तीनों चीज चलेगा आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कागज किताब और स्टेशनरी, अब आप देख लीजिए कागज स्टेशनरी और किताब सभी तो एक जैसा है, कागज कहाँ मिलेगा, स्टेशनरी की दुकान में, लेकिन किताब स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। स्टेशनरी में आते हैं कागज, पेपर वेट, पेन, गोंद जिसको गम कहा जाता है, पेंसिल्स, पेपर, ये सब आता है। किताब एक अलग चीज़ है, ये अलग दुकान का चीज़ होता है, किताब स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए कितना अच्छा आरेख नंबर दो आपका इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दो का, कि एक आरेख डाला हुआ है और ये डाला हुआ है। देख लीजिए हम इसके अंदर में स्टेशनरी रखे हैं, ये बाहर वाला को स्टेशनरी कह रहे हैं, स्टेशनरी के अंदर में ये, सॉरी इसके पीछे लिख दिया ना, यहाँ पे एकदम बना, ये जगह कम अभाव के कारण छात्रगण, ये स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी के अंदर कागज हैं, सभी कागज स्टेशनरी हैं एकदम क्लियर, और भाई किताब बिल्कुल अलग चीज़ है। तो कितना आंसर अच्छा से मेरा क्लियर क्रिएट हो गया और आपका ऑप्शन हो गया नंबर दो। कहीं कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई भी इशू लग रहा है कि हाँ सर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूरी अच्छी तरह से एकदम इसको समझने का प्रयास कीजिए छात्रगण। किताब स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है, हमको दावा करते हैं कि लगभग लड़का इसको गलत कर देगा कि सर किताब भी तो स्टेशनरी दुकान में मिलता है, जहाँ किताब मिलता है वहाँ स्टेशनरी का भी सामान मिलता है, ये अलग चीज़ है। कौन सा सामान स्टेशनरी का पार्ट होता है, ये चीज़ का रिलेशन हम सब इस चैप्टर में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं छात्रगण। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के पास में, और क्वेश्चन तीन कहता है सेब, फल और सब्जी। क्या कहना है, देखिए सेब और फल बिल्कुल एक जैसा, सब्जी तो एकदम अलग, सीधे ऑप्शन नंबर कहाँ चल जाना है आपको, चौथा नंबर में। चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस, ये फल है और फल के अंदर हम सब्जी डाल देते हैं, सॉरी फल के अंदर में हम सेब डाल देते हैं और सब्जी को बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, चौथा। आंसर देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर टू, सॉरी चौथा, ये गड़बड़ा गया ना, दो हो जाएगा ना, इसका भी टू हो गया ना, टू क्लियर ना, दूसरा नंबर में है ना। यहाँ क्या हम लोग यहाँ क्या ऑप्शन दिए भाई, कि बाहर वाला जो है मेरा फल है और फल के अंदर में सेब है, जितना भी सेब है हम पहले बताया ऑल का रिलेशन होता है, सभी सेब फल कहलाएगा, ऑब्वियस कहलाएगा, और जो अंदर बाहर जो एक आकृति हम लोग बाहर फेंक दिए वो मेरा क्या है, सब्जी, तो वो मेरा बाहर का चीज हो गया, क्या मेरा सब्जी। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे रिलेशन हम सब निकाल पाने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे गेहूं, दाल और अनाज के पास में। अब देख लीजिए गेहूं, दाल और अनाज, फिर मैं वही बात कहूंगा, गेहूं, दाल और अनाज की बात करेंगे, तो क्या दाल अनाज में आता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि दाल अनाज में आता है कि नहीं। जी बिल्कुल आता है, दाल अनाज ही होता है, चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं, ये सब सभी अनाज में आते हैं। तो कितना ऑप्शन नंबर चार देख लीजिए, ये हो गया अनाज, बाहर वाला अनाज हो गया, ये हो गया गेहूं और ये हो गया दाल, यानी जितना भी गेहूं और दाल होगा वो सभी किसके पार्ट होंगे, किसके पार्ट होंगे, अनाज के पार्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर चार। कहीं कोई दिक्कत, फिर क्वेश्चन कहता है हाथी, भेड़िया और जानवर। आप देख लीजिए जानवर के अंदर हाथी और भेड़िया, फिर ऑप्शन नंबर चार हो गया, ये एक जानवर ले लेते हैं, जानवर के अंदर हाथी और भेड़िया है, ऑप्शन नंबर चार हो गया, ठीक ना। आगे हाथी, बाघ, चौपाया। आप देख लीजिए चौपाया का मतलब क्या होता है, जिसका चार पैर होता है, तो हाथी के भी चार पैर होते हैं, बाघ के भी चार पैर होते हैं, तो मेरा फिर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, चार, भाई कि ये चौपाया हो गया, यहाँ हाथी और यहाँ बाघ, दोनों के चार चार पैर होते हैं, ये अलग बात है कि दो अलग अलग प्रजाति के ये जानवर हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी है, तो हाथी बड़ा वाला जो हम लोग लिए वो चौपाया लिए जिसका चार पैर है, उसमें दो डायग्राम और डाल दिए जो कि एक इंडिकेट करेगा हाथी को और एक इंडिकेट करेगा बाघ को, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट है कबूतर, कुत्ता, पक्षी। अब आपका दिमाग में खुद ही सब चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर दो, कैसे क्या करेंगे, ये हो गया पक्षी, इसके नीचे हो गया कबूतर और कुत्ता बिल्कुल अलग चीज है,
कितना सिंपल है, देख लीजिए अपने आप रिलेशन, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, परीक्षा में डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी निगाहें जो है एकदम डायग्राम पर सटीक केंद्रित कीजिएगा और सीधे आपको ऑप्शन मार करके सीधे सीधे रंग देना है। सॉरी, इसका ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, ये समझाना है इसलिए सिर्फ हम डायग्राम आपको बना करके दिखा रहे हैं। दो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, शिक्षक महिला विद्यार्थी, ये तो हम कराए भी थे जब आपको अभी वेन का जब हम परिचय करा रहे थे तो आपको ऐसे क्वेश्चन हम लोग कराए थे। ये हो गया शिक्षक महिला विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये वन, एकदम क्लियर है। देखिए ऑप्शन वन क्या कह रहा है, इसको हम समझा देना चाहते हैं। ये वाला महिला है तो कुछ महिला क्या है, शिक्षक, और कुछ महिला क्या है, विद्यार्थी। तो सिंपल है, एकदम कुछ नहीं है। पिस्तौल, बंदूक, आग्नेयास्त्र, देखिए यहाँ सबसे पहले आपको आग्नेयास्त्र वर्ड से अगर आप परिचित नहीं हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए पिस्तौल हो गया, बंदूक हो गया, बम हो गया, गोला हो गया, ये सभी को आग्नेयास्त्र ही कहा जाता है, ये सभी आग्नेयास्त्र ही कहलाते हैं। अलग अलग नाम ना लेकर के एक नाम लिया जाए कि चाइना बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर, भारत और चाइना की जहाँ सीमा बनती है मैकमोहन रेखा पर जो है वो हम लोगों का आग्नेयास्त्र तैनात कर दिया। आग्नेयास्त्र का मतलब टोटल चीज़ हो गया, पिस्तौल हो गया, बंदूक हो गया, मिसाइल्स हो गया, बारूद हो गया, टैंक हो गया, ए टू जेड हो गया जो हमारा आग्नेयास्त्र के अंतर्गत में आएगा। तो सीधे ऑप्शन नंबर चार ये है आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र के अंदर पिस्तौल और बंदूक, ऑप्शन नंबर चार, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य, मंगल और ग्रह। देख लीजिए सूर्य कतिपय रूप से ग्रह नहीं है, ये एक तारा है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्रह एक हम ले लेते हैं, ग्रह, ग्रह के अंदर क्या ले लेते हैं, मंगल, और सूर्य को बिल्कुल अलग कर देते हैं, ऑप्शन नंबर दो क्रिएट हो जाता है मेरा। तो देखिए रिलेशन होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे ऐसे प्रश्न में भाई कि हमको सूर्य नहीं पता है, सूर्य क्या होता है, सूर्य को भी अगर आप ग्रह मार देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, चार क्रिएट हो जाएगा। ग्रह के अंदर हो जाएगा आपका सूर्य और मंगल, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एकदम याद रखिए कि सूर्य कभी भी ग्रह नहीं है, सूर्य एक बहुत बड़ा स्टार है जो कि स्टेशनरी है, वो कभी मूव नहीं करता है। ये सब कंसेप्ट ज्योग्राफी पर आपको रखना चाहिए। तो ओवरऑल छात्रगण आपने देखा कि किस प्रकार से 10 प्रश्न पर आपने डायग्राम ढूंढने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि इन 10 प्रश्नों पर आपको कमांड हुआ होगा और किस प्रकार के आरेख इसमें बन पड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 5 मेरा एक भी नहीं हुआ, सभी ऑप्शन पकड़ा है मेरा, 1, 2, 3 भी नहीं मेरा आया, 3 भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अगले डायग्राम में देखेंगे। तो देखिए अब जैसे ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, 3 में क्या है कि भाई इसके अंदर में एक डायग्राम है जहाँ ये दोनों ऑल है और ऑल में भी उसका कुछ पार्ट ये रहा होगा, यही ना निकल रहा है इसमें। इसमें क्या है भाई कि ये एक ऑल रहा होगा पूरा और ये दोनों चीज का कुछ भाग एक चीज वो रहा होगा। तो अभी कई डायग्राम आएंगे जहां पर आपको मैं यहां पे ऐसे प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे छात्रगण। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक एक डायग्राम की रिलेशंस इस चैप्टर में डायग्राम इंटरप्रिटेशन में हम सब एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरे डायग्राम पर आप इंटरप्रेट, देखिए इसलिए चैप्टर का नाम है डायग्राम इंटरप्रिटेशन, अर्थात एक ऐसे आरेख चित्रों का निर्माण करो जो कि डायग्रामों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दे, रिलेशनशिप प्रस्तुत कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि इन पूरे डायग्रामों को आपने बखूबी समझने का प्रयास किया होगा छात्रगण। इसी उम्मीद और आशा के साथ में ये अगले क्वेश्चंस पर हम आपको लेकर के चलते हैं कि जब अगले प्रश्न का आप निर्माण करें तो एक एक डायग्राम को बखूबी से आप बनाने का प्रयास करें। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं छात्रगण। नेक्स्ट पड़ाव पर है आपके पास में, पहला क्वेश्चन है शिक्षक, विद्यालय और छात्र। आपके पास 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसी मोड में उसी अंदाज में है और आपको अब इस बार केवल हम ऑप्शन लिखेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, वो समझा चुके हैं। तो शिक्षक, विद्यालय और छात्र कौन सा सबसे सटीक इंपॉर्टेंट आपका जाता है, क्या कहना है, चौथा नंबर, बिल्कुल आपका सही कहना है शिक्षक, विद्यालय, छात्र। देख लीजिए अगर हम इस पूरे बड़े वाले डायग्राम को हम विद्यालय मानते हैं तो विद्यालय के अंदर शिक्षक और विद्यालय के अंदर छात्र। दूसरी बात, आपको मैंने बताया था ऑल का भी रिलेशन प्रस्तुत करता है, जितना भी शिक्षक है वो विद्यालय का पार्ट होता है, जितना भी छात्र है वो विद्यालय का पार्ट होता है। तो सबसे क्लोज रिलेशन कौन प्रस्तुत कर रहा है, तो नंबर 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नाइट्रोजन, बर्फ और हवा। अब हम इसकी रिलेशनशिप ढूंढेंगे नाइट्रोजन, बर्फ और हवा का। अब देखिए आपको मालूम है कि हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन हवा के अंदर तो नाइट्रोजन हो गया फूल का फूल, देखिए एक ऑप्शन जा रहा है। अब बर्फ तो बिल्कुल अलग चीज होता है, आइस का हवा से और नाइट्रोजन से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग बात है कि नाइट्रोजन से बर्फ बनता है, लेकिन क्या केवल नाइट्रोजन से बर्फ बनता है नाइट्रोजन गैस से, तो ये भी तो सही नहीं है।
बात समझ में आ रहा है? इसलिए बर्फ एकदम बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगा, तो सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा दो, क्योंकि हवा, अगर बाहर वाला को हवा मानते हैं तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन, यानी कि ऑल नाइट्रोजन हवा का पार्ट होता है, और साथ ही साथ जो है बर्फ एकदम बिल्कुल अलग चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर दो इसके लिए बहुत ही सुंदर नज़र आता है। नेक्स्ट है पीतल लोहा धातु। देखिए आप यही चीज़ अंडरस्टैंडिंग बच्चों में चाहिए कि सर पीतल क्या होता है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण को पीतल कहा जाता है। तो पीतल हो गया लोहा और धातु, तो पीतल लोहा धातु, लोहा तो ऑलरेडी एक धातु है, पीतल के अंदर में मेरा क्या चीज़ है भाई, तो जिंक भी है, और मेरा क्या चीज़ है बताइए, पीतल, पीतल अकेले धातु नहीं है, पीतल के अंदर तांबा और जिंक, यानी कि ये अलॉय है, मिश्र धातु है, अर्थात ये अलग चीज़ हो गया। तो सबसे सटीक आंसर कौन हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, ये अगर इसको धातु मानते हैं तो धातु के अंदर लोहा हो गया और पीतल बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगा, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो सबसे सटीक ऑप्शन नंबर कौन सा, नंबर दो। आप बताइए तहसील, जिला और गांव। देखिए तहसील ये सब यूपी का वर्ड है, हम लोग इसको थाना कहते हैं बेसिकली। तो देखिए सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है भाई, थाना यानी कि तहसील, तहसील किसके अंदर में, गांव के अंदर में, और गांव पूरा मिलकर के क्या चीज़ बनाता है, जिला। तो एक तहसील गाँव और जिला के लिए सबसे सटीक चित्रण कौन बनता है, नंबर तीन। ओके, चावल सरसों चुकंदर। अब चावल अलग चीज़, सरसों अलग चीज़, चुकंदर अलग चीज़, कहीं है नंबर पाँच। ऑप्शन नंबर पांच का पांच क्लियर है। मेज कुर्सी फर्नीचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्नीचर में ही मेज और कुर्सी दोनों आता है, तो ये फर्नीचर ले लेते हैं, ये मेज और ये कुर्सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चार। तो देखिए कितने आसान तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में हम कामयाब होते हैं। बस जरूरी इन्हीं बातों का है कि इन डायग्राम के साथ में, इस वेन डायग्राम के साथ में हम सब अपने आप को इंटरप्रेट कर पाने में कामयाब हो, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो, तो हमारे ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे से निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर लेकर के चलते हैं, फिर पाँच क्वेश्चन और करवा देते हैं, सो दैट कि चैप्टर पूरा हैंडी हो सर। आइए आगे की ओर लेकर चलते हैं। छात्रगण बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और ऑल टुगेदर आपके पास चार ही क्वेश्चन दिए हैं, पांच डायग्राम है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए पांच चित्र दिए गए हैं, आपको सटीक चित्रों का चयन करके इसको एस्टैब्लिश करना है। पहला क्वेश्चन है चिंता, बुद्धि और बल। चिंता के साथ बुद्धि का क्या रिलेशन है, बुद्धि के साथ बल का क्या रिलेशन है, मेरे समझ से बाहर का चीज़ है, अर्थात तीनों अलग अलग चीज़ है, ऑप्शन नंबर तीन, एक दो तीन अलग अलग चीज़, कोई रिलेशन नहीं है, बुद्धि का चिंता के साथ रिलेशन नहीं है, चिंता का बुद्धि के साथ रिलेशन नहीं है, बुद्धि के साथ बल का रिलेशन नहीं है, बल का बुद्धि के साथ रिलेशन नहीं है। क्लासरूम, कॉलेज और विद्यार्थी, क्लासरूम, कॉलेज और विद्यार्थी, इसकी जब बातें करते हैं तो आप देख लीजिए, हम सीधे सीधे कहेंगे एक कॉलेज के अंदर, अगर ये इसको हम बोलते हैं, ये बड़ा वाला को कॉलेज मानते हैं, तो कॉलेज के अंदर क्लासरूम और क्लासरूम के अंदर विद्यार्थी, ठीक है, और या अंदर वालों को कॉलेज मानते हैं, तो कॉलेज के अंदर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर विद्यार्थी, तो बिल्कुल सटीक चित्र बन रहा है नंबर वन को लेकर के, इसलिए एकदम से वन इसमें हो जाएगा, क्लासरूम, कॉलेज और विद्यार्थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका शाक, आलू और बंद गोभी। अब आलू और बंद गोभी दोनों सब्जियाँ हैं, शाक आपका, शाक मतलब क्या होता है, सब्जी, शाक मतलब साग हो गया, शाक मतलब क्या हो गया आपका, साग हो गया। तो सबसे सटीक जो इसमें मेरा बैठता हुआ नजर आ रहा है, कैसे क्या कीजिएगा, शाक के अंतर्गत में, शाक मतलब क्या हो गया, शाक आपका हो गया मतलब जो हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी वस्तुएं हो गई, तो आलू और बंद गोभी दोनों शाकाहारी वस्तु हो गए, तो शाक के अंतर्गत में आ जाएगा, तो इसको ले लीजिए ऑप्शन नंबर दो, ठीक है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है, दो में शाक के अंतर्गत में आलू और बंद गोभी रख दिए हैं, दोनों शाकाहारी है ना, दोनों तो शाक प्रजाति में ही आएगा ना, आलू और बंद गोभी दोनों शाक प्रजाति में है, तो शाक के अंदर में आलू और बंद गोभी आ गया, छोटा पौधा है। आगे आ जाइए धातु, लोहा और क्लोरीन, आगे की बातें कीजिए, धातु, लोहा और क्लोरीन, आप जानते हैं लोहा धातु है, तो इसको अंदर घुसा दीजिए, धातु के अंदर लोहा कर दीजिए, ऑप्शन नंबर चल जा रहा है मेरा पांचवा, एकदम सटीक है, तो ऑप्शन नंबर पांच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये वाला को धातु ले लिए हैं, सभी लोहा धातु हैं और क्लोरीन अधातु होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लोरीन नॉट ए पार्ट ऑफ ए मेटल, इट इज ए नॉन मेटल, तो क्लोरीन बिल्कुल अलग सा चीज हो गया। तो देखिए थोड़ा सा आप पूरे चैप्टर के दरमियान में देख पा रहे हैं कि हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या है कि इंटरप्रेट करने का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, चित्रों के बीच कैसे जो शब्द हैं वो कैसे एस्टैब्लिश किए जाते हैं,
इसकी जानकारी अगर बच्चा थोड़ा सा कर ले तो इस चैप्टर में बहुत बहुत अच्छा कर सकता है। हाँ, आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको परिचित होना पड़ेगा भाई कि लोहा धातु कहलाता है, क्लोरीन अधातु है, तो थोड़े से नॉलेज, थोड़ा सा पढ़ा हुआ, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर है तो आप चैप्टर अच्छा कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप गड़बड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कतों का सबब बन सकता है। तो अभी तक में हमने लगभग 19 क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस किए हैं, चलिए आपको 6 क्वेश्चन और कराते हैं ताकि 25 क्वेश्चन इस चैप्टर का पूरा पार्ट है। आइए अगले पड़ाव की ओर लेके चलते हैं। तो डायग्राम इंटरप्रिटेशन के टाइप नंबर 1 पे छात्रगण आपका अंतिम प्रश्न पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपका पूरा पूरा हैंडी हो गया होगा। मैं कई बार बता रहा था कि ये डायग्राम इंटरप्रिटेशन का टाइप नंबर 1 था, अगर मैं बोलना भूल गया होगा तो आप एकदम सीधे सीधे याद कर लीजिए कि सर ने आज की क्लास में टाइप 1 की चर्चाएँ करी हैं, कल की क्लास टाइप 2 की विस्तृत चर्चाएँ करेंगे और कई क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो छात्रगण अगला प्रश्न है मेरा नाक हाथ और शरीर। अब नाक हाथ शरीर के लिए आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख लीजिए। नाक हाथ शरीर में कौन सा, शरीर के अंदर नाक और हाथ, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4। ये हो गया शरीर, ये वाला शरीर, शरीर के अंदर नाक और हाथ, तो ऑप्शन नंबर 4 क्रिएट हो गया। सरसों ज्वार आलू, सरसों अलग चीज, ज्वार अलग चीज, आलू अलग चीज, ऑप्शन नंबर 5। ईंट घर और पुल, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा से बनाइए, कैसे इसको बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे, ध्यान देना पड़ता है। देखिए ईंट जो चीज़ है, ईंट से घर भी बनता है, ईंट से पुल भी बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहना है आपका, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला गोलाकार आकृति है वो ईंट का है, उस ईंट से, कुछ ईंट से घर बनते हैं, कुछ ईंट से पुल बनता है, कई सारे ईंट से और कुछ भी बनता है, तो कितना सटीक ऑप्शन है ये वाला, ये वाला बीच वाला ईंट, ये वाला घर, ये वाला पुल, ऑप्शन नंबर कौन हो गया इसका पहला, क्लियर है ना। बाकी जो ईंट बच गए उससे और भी कुछ बनेंगे, बहुत सारे चीज बन सकते हैं, तो आई थिंक इसका सबसे सटीक आंसर पहला नंबर होना चाहिए और पहला नंबर ही होगा और कोई भी ऑप्शन पर आप नहीं जा सकते थे। पंखुड़ी गुलदस्ता फूल, ये तो आपको मैंने प्रीवियस अभी करवा ही था, कंसेंट्रिक सर्कल हो जाएगा 3 का 3, ये तो मैंने समझाने के क्रम में आपको करवाया था पंखुड़ी गुलदस्ता फूल के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद नंबर 5 है परिधान कपड़ा और जूता, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए परिधान का मतलब आप पहले क्या समझते हैं ये आपको समझना चाहिए, हर एक वह कपड़ा जो हम अपने बॉडी के अंदर, परिधान को आप यूनिफॉर्म समझ लीजिए। अब ये यूनिफॉर्म, ये जो परिधान है वो ऊलन हो सकते हैं, कपड़े के हो सकते हैं, चमड़े के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, रेनकोट भी एक परिधान है, बुरका यानी कि नकाब भी एक प्रावधान है, मास्क भी अब हम लोग का जो कोरोना काल में हम सब पहन रहे हैं वो भी एक आपका क्या है, परिधान कहलाएगा। तो ये जितने सारे चीज़ें हैं, परिधान हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, तो परिधान और कपड़ा बिल्कुल एक जैसे चीज़ हैं जबकि जूता बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कपड़ा डाल दिया है तो परिधान केवल कपड़ा का ही नहीं बनता है। मैंने पहले कहा कि ये चमड़ा का बन सकता है, ये प्लास्टिक का बन सकता है, ये नायलॉन का बन सकता है, ये ऊल का बन सकता है, तो अर्थात सबसे सटीक इसका जो आंसर होगा नंबर 2 होगा। देखिए कितना अच्छा है, अगर हम इसको परिधान मानते हैं ये वाला बड़ा आकृति को, तो कुछ परिधान कपड़े के बने होते हैं और जूता बिल्कुल अलग चीज है, रेस्ट इतना सारा जो चीज आपको नजर आ रहा है ये किसी भी चीज के बने हो सकते हैं कपड़े के अलावे, चाहे वो चमड़े के हो सकते हैं या किसी अन्य चीजों के हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए सबसे सटीक बैठता है। तो छात्रगण आज की क्लास डायग्राम इंटरप्रिटेशन के टाइप नंबर 1 के साथ यहीं पे समाप्त घोषित करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और समझ गए होंगे जिसको कहा जा सकता है, और उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास में जब मेरी मुलाकात हो तो टाइप 2 पर हम सब मुलाकात करें, टाइप 1 पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको PDF के रूप में ये पूरी चैप्टर आपको अटैचमेंट मिलेगी, आपको दे दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्मार्ट बनते रहिए, किसी 2-3, मैं कई बार कहता हूँ कि कंपटीशन परीक्षा में कोई बच्चा 2-3 विषय केवल अच्छा कर ले तो सफलताएं उसकी कदम चूमेंगे, जिसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट है रीजनिंग, आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, केवल थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका लॉजिकल थिंकिंग अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आप इस चैप्टर में बेहद बेहद मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।